पिका पिका क्यों पिका पिका क्यों पिका पिका क्यों। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आए हो आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। और फाइनली आज से हमारा काम फिर से स्टार्ट हो गया। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस दिन माल तो आया था लेकिन अच्छा नहीं था, हमने खरीदा नहीं। तो आज हमारा एक ट्रेलर आया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है ट्रेलर जो आया है, इसमें है काजू। और दिन इतनी धूप रहती है, आज हमारे वहाँ काजू आया है, तो आज मौसम भी ख़राब है, देख सकते हैं आप, बादल लगे हुए हैं, कोई पता नहीं है, बारिश भी आ सकती है। और अगम बोल रहा है बा 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 का मतलब होता है कि आ जाओ बैग 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 को बोलते हैं बा 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 बा। तो ये सीख गया यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी। कम 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 आगे ना जाए, ठीक है, पास पास। लोडिंग बॉयज नहीं है वो, और ट्रेलर वाला आएगा, मे बी ही डोंट नो हाउ टू डू, क्योंकि ये नया है तो इसको पता नहीं होगा शायद, देख सकते हैं आप। इधर आ जाए, शायद इसका साइलेंसर गिर गया या कुछ गिर गया, ये लेके आ रहा है। ये लग गई हैं लौकियाँ, ये ओ प्लेंटी प्लेंटी, दो तीन, अरे कितनी सारी लग गई, अब तो बहुत सारी लौकियाँ लगने लगी हैं इसमें, दिखाती हूँ। ये वो एक तो बड़ी बड़ी सी है, वो पत्तों के बीच में। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30, मेरा पूजा पाठ कर ली है, और अभी मैं दिखाती हूँ मौसम कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मौसम कुछ इस तरह का था कि सारा दिन बारिश रही है, तो अभी ये मौसम ऐसा हो रहा है। और आज ही हमारा काजू आया था, पर आज ही बारिश ने भी बोल दिया कि हाँ मैं आ गई, तो सारा काजू तो देख सकते हैं आप पीछे यार्ड पे पड़ा हुआ है और कवर किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई करने का मौका ही नहीं मिला, ना ही पिकिंग करने का मौका मिला था। तो जैसे ही गाड़ी अफलोड हुई वैसी बारिश आ गई, तो सारा माल ऐसे ही ढका पड़ा है। तो अब कल अगर धूप आएगी तो फिर कल इसको ये निकालेंगे, तरपाल निकाल के फिर इसको धूप दिखाएंगे। मैं दिखाती हूँ, वहाँ तक भरा पड़ा है, पूरा यार्ड भरा पड़ा है, करीबन होंगी 450 बोरियों के आसपास होंगी। अरे मुर्गियाँ मेरे पीछे आ गई, ये सोचें कुछ खाने को देंगी। याकूबू गिव देम राइस, टेल सिगी ही विल ओपन द रूम। तो
हम इन ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने पाली हुई है और एक ड्राइवर हमारा जो रास्ता उन्होंने पाली हुई है। इतनी मुर्गियाँ हैं ये, तो इनके लिए अलग से चावल का कट्टा है, तो उसमें से इनको चावल देते हैं सुबह शाम, और दिन में जो हमारी राइस बच जाती है तो फिर वो हम इनको दे देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा भरा पड़ा है। और अगम तेरे हाथ तो चॉकलेट ले ली इन्होंने, चॉकलेट बचा के रखी आप दी, ठीक है? हाँ, तेरे हाथ से चॉकलेट ले लेनी इन्होंने। फिर बारिश आने लग गई, अगम मी और लग गया। तो अब इनको पता लगे कि हमारे लिए राइस आने लगे, तो सब देखो कैसे दौड़ के जा रहे हैं वहाँ, ये उस कमरे के आगे चली जाएंगी अभी। जैसे ही वो आएगा ना राइस लेके, वो हमारे दिन वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, याकूबू उनका नाम है। यहाँ पे नाम भी थोड़े अजीब से होते हैं, याकूबू हो गया, और एक तो वो मतलब एक का नाम क्या था, चै, वो हमारे मैनेजर का ड्राइवर था पहले, चै उसका नाम था। और फ्रीमैन है जो अभी हमारा सप्लायर है, फ्रीमैन, इस टाइप के नाम होते हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने कहा था ना, ये मुर्गियाँ वहाँ चली जाएंगी, इनको पता लग गया कि हमारे लिए राइस आ गए, तो ये वहाँ चली गई हैं। मुर्गियाँ भी मतलब कहते हैं ना कि हम ये बेजान जानवर हैं, मतलब इन बेजुबान जानवर हैं, इनको पता नहीं चलता, लेकिन ये समझदार बहुत होते हैं। देखो इनको कैसे पता चल गया कि वहाँ राइस है, और उनके हाथ में राइस है, और देखो सब चली गई वहाँ। अब देखो कैसे खा रही है राइस। तू राइस देगा, जा फिर अब्बू को चले जा। हमारे यहाँ तो करके बुलाते हैं, आओ आओ करके, यहाँ करते हैं, और तो सारे एक साथ आ जाते हैं, ये यहाँ की खासियत है। अगम अभी तो दे रहा है, थोड़ी देर में इनको मारेगा, भगाएगा इनको, ऐसी इसकी आदत है। गंदो गंदो है, और वहाँ चल रहा है हमारा काम, क्योंकि ये अगम ऊपर चढ़ जा रहा था, अब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, याकीम लगा हुआ पेंट करने में, तो हमने वहाँ पे एक ग्रिल लगवा दी ऊपर को, और जिससे कि अगम नहीं, तो ये अगम ऊपर से चढ़ के ये टीन के ऊपर आ जा रहा था, तो ये बहुत शैतानियाँ करने लगे, इसलिए हमने शैतानियाँ बंद करने के लिए ये देखो आपको दिखा दिया, यहाँ पे एक शेड लगा दिया है, ये कितना जूम किया है मैंने, और फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे ये पेंट कर रहा है, तो मैं आपको कितने पास से दिखा रही हूँ, ओए हो, ये देखो बेस्ट क्वालिटी है आईफोन की, 9 पे कर दिया है मैंने, फिर भी इसकी क्वालिटी देखो आप कैसे देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखेगा, ये पेंट चल रहा है यहाँ पे। और मैं अभी अगर इसको जूम से आउट आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि इतना दूर है हमारे, मेरे पास से इतना दूर है घर, तो मैंने उसको एकदम जूम किया हुआ था, तो मौसम देख सकते हैं आप, अगर मैं इन बादलों को जूम करूं तो वो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे पास ही है, ये देखो ये तो मेरे स्क्रीन पे ही आ गए हैं, ये है जूम, इसका खतरनाक वाला जूम है आईफोन का ये। चप्पल भी पाला, कितने कहाँ को आ जा, दिल में होके गु। तो फ्रेंड्स हमारी ये स्ट्रीट लाइट जो होगी थी खराब हो गया इसका यहाँ पे से, इसके मुझे लग रहा स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमने सही करवाया था फिर खराब हो गई है, अभी ये इसको सही कर रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, मैकेनिक भी हैं, ये ऑल इन वन है हमारे, ये सब कुछ सही कर देते हैं। और जो ये देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे लकड़ी के खंभे होते हैं तो लाइट के लिए, बाकी हमारे इधर तो लोहे के और सीमेंट वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी के खंभे आते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ये फ्री देती है, देखो हमने यहाँ लगा रखी है, बाकी कुछ वो आगे इस वाले खंभे से आगे एक पोल और है, उसमें भी उन्होंने स्ट्रीट लाइट वो फ्री की है, मतलब जो लाइट है वो हमने लगाई है, लेकिन जो इसका बिल नहीं आता है, मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, सिर्फ जो लाइट का ये जो मतलब स्ट्रक्चर है, ये लाइट ये हम लेके आते हैं। क्या हो जाता है,
ये पोल हमें खरीदना पड़ता है। हाँ, पोल हम खरीदते हैं और उसके 24 घंटे बाद ये पोल ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा, पैसे देने पड़ते हैं, फिर हमारा 24 घंटे तक हमारा हक होता है, उसके बाद गवर्नमेंट का हक होता है। अच्छा, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये पोल हमारा होता है जहाँ खरीदने के बाद, है ना? खरीदने के बाद 24 घंटे तक ये पोल हमारा होगा, उसके बाद आफ्टर दैट ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है सिर्फ। हाँ, ये लाइटें हमारी हैं जो हमने लगवाई थी, लेकिन इसका बिल नहीं आता, ये फ्री है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो आगे भी है, इधर भी, इधर की साइड भी उन्होंने भी लगा रखी है, सब ने लगा रखी है। तो इनसे नहीं हो रहा, ये बटन ही ख़राब है। और फाइनली लाइट हो गई है सही, तो दोनों लाइट जल गई हैं। अब हम क्या मजा आ गया, यहाँ पे मिट्टी में खेल रहा है, बोलता है आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। देख सकते हैं चारों तरफ घना अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। ये मुर्गी आ गई यहाँ, आप सोच लेंगे कि वो जो लाइट दिख रही है वो क्या है, वो बादल है दरअसल, ये देख सकते हैं आप बादल है। ये बगीचा है, तो हम आ गए हैं ऊपर और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल सखों ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।